पीएम योगी के आदेश के बाद भी जिले की सड़कों पर बिना व्यवसायिक परमिट के ट्रैक्टर फर्राटे भर कर चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बहुतायत प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों में हो रहा है। ये बिना रोक टोक के तंबाकू, ईंट, सीमेंट, बालू, खाद आदि ढो रहे हैं। इससे परिवहन विभाग को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। आए दिन इन ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली में सड़क हादसे हो रहे हैं। इसके साथ ही ट्रक ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग लोग टैक्स से बचने के लिए ज्यादातर अपना माल रात्रि में ढोते हैं। विकासखंड अलीगंज क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान सूत्रों के द्वारा दो ट्रैक्टर ट्राली तंबाकू भरकर कूटन करके ट्रैक्टर में भरकर कायमगंज ले जा रहे थे। तभी गश्त के दौरान उप जिलाधिकारी प्रतीक त्रिपाठी द्वारा कैल्ठा चौराहे के समीप ट्रैक्टर चालक को रोका गया, जिनसे पूछताछ की गई तथा ट्रैक्टर से संबंधित कागजात भी मांगे गए, लेकिन ट्रैक्टर चालक कागजात उपलब्ध नहीं कर सका, जिसके चलते उप जिलाधिकारी अलीगंज प्रतीक त्रिपाठी ने ट्रैक्टर को अपनी हिरासत में लेते हुए कोतवाली अलीगंज में दाखिला करा दिया, जिसकी सूचना मंडी समिति को दी गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी प्रतीक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया, ये ट्रैक्टर कल रात को पकड़े गए थे, जिसे कागज के बारे में पूछा गया, लेकिन चालक के पास कागज उपलब्ध नहीं थे। मंडी समिति को ब्यौरा भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या टाइम अलीगंज एटा सुनील गुप्ता के साथ मैं नैन्सी गौतम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।